तो दोस्तों आपका स्वागत है डीसी टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 6। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमोन नियॉन ब्लू। पिछले ही एपिसोड में जो हम सिटी की तरफ आ रहे थे तो हमें रास्ते में मिली बाइसाइकिल गैंग, जिन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा था और वो जाने के लिए हमारे साथ फाइट करना चाहते थे, तो हमने उनके साथ फाइट की और उनको हरा दिया। उसके बाद हमें मिले थे प्रोफेसर, जिन्हें हमारी मदद चाहिए थी और प्रोफेसर चाहते थे कि हम जाके फ्लैश अटैक और रॉक स्मैश की मदद से उनकी थोड़ी मदद कर दें, और उन्होंने उनकी मदद भी की। पर इस सिटी के अंदर एक घोस्ट पोकेमोन है जो सबको तंग कर रहा है और वो हमें आगे नहीं जाने दे रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। समझिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पिछले बार पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो दोस्तों ये है वेरनेट। सबसे पहले आंसर दिया है रवि भाई ने, उसके बाद दिया है कॉस्मिक गेमर ने, फिर दिया है जीएस गेमर ने, उसके बाद दिया है एनिमल लेवर ने, फिर दिया है पोकी फैट है गेमर ने। दोस्तों यही वो डीप पोकेमोन हार्ट फैन थे जिन्होंने जवाब, दोस्तों अगर आप डीप पोकेमोन हार्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओ। क्वेश्चन पूछ देगा स्क्रीन पे आने वाला है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो भी इन क्वेश्चन का जवाब दे सकें। गाइस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कहां से मतलब जाने का रास्ता और इस घोस्ट पोकेमोन का क्या किया जाए। देखो अभी घोस्ट पोकेमोन यहां से हिल नहीं रहा है बिना उस आइटम के, मतलब उस चीज की हमें जरूरत है। जब तक वो आइटम हमारे पास नहीं होगा तब तक ये यहां से नहीं हिलेगा। तो अब मेन चीज उस आइटम को ढूंढनी है। वैसे मुझे याद था कि हमने पोकेमोन यहां पे मिस कर दी थी हमने लेने के लिए, बाकी मैं एक जगह पे जाके चेक कर सकता हूं। वैसे चेक करने में कोई इतराज नहीं है, वैसे देख लेते हैं एक बार। वो देखो वहाँ पे एक पोकेबल पड़ी होगी। हाँ एक मेरी लड़की से फाइट करनी है तो उसको हरा के मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ से हार चुके हैं मुझसे, और मैं जरा इस पोकेबल को देखते हैं इस पोकेबल में क्या खास है। शायद ये वही चीज उसको हम ढूंढ रहे जैसा मुझे लगा था, ये वही चीज थी जो हमें चाहिए थी। हाँ देखा ये इसने छुपा कर रखी थी, यही उसकी ही बहन थी जिसके में बात चल रही थी हमारे पीछे हुई जो। चले गए चलते हैं उस घोस्ट पोकेमोन का देखते हैं वो कौन सा घोस्ट पोकेमोन है, और कोशिश करेंगे कि उसे पकड़ सके हम। वैसे मैं पकड़ना चाहता हूँ जो सब जो भी पोकेमोन हो, मेरे हिसाब से वो वैसे वो दोबारा से मैरोवैक ना हो, ऐसा पड़ा है ना मैरोवैक। देखते हैं कौन सा पोकेमोन हो सकता है। भाई साहब गेंगार, अगर ये गेंगार पकड़ने के लिए है तो मजा आ जाएगा यार। मैं करता हूँ पहले पोकेमोन फेंक के देख लेते हैं एक बार। ग्रेट बॉल भाई साहब पकड़ सकते हैं इसे, ठीक है मैं दोबारा ग्रेट बॉल फेंकता हूँ। अरे यार कर्स कर दिया इसने। तो थोड़ी सी वीडियो स्किप करने के बाद गेंगार हमारी टीम में आ चुका है, सीधा गैसली का थर्ड स्टेज गेंगार जो मुझे चाहिए था। यार मैं कब से सोच रहा कि हॉन्टर पकड़ूं कि ना पकड़ूं, हमें सीधा ही गेंगार मिल चुका है जो बहुत ही ओपी बात है। और गेंगार ने फील्ड लीव कर दिया, वैसे क्या होता है गेंगार तो हमें ऐसे मिल चुका है। बाकी जरा देखते हैं कि कहां है पोकेमोन सेंटर, मुझे याद ही नहीं आ रहा पोकेमोन सेंटर कहां पे था। यार एक मिनट, यहाँ पे था पोकेमोन सेंटर कि ऊपर था कि नीचे था, नीचे था शायद, हाँ नीचे था पोकेमोन सेंटर। तो पहले एचपी फुल करते रहते क्योंकि मतलब बात है अपने गेंगार की। यार गाइस मुझे भी एक बात याद आई है कि यार अपना यहाँ पे ना एक सिटी है यार, मैं भूल चुका हूँ यार सिटी का नाम भूल गया मैं। वो मतलब ना उसको जो याद है पोकेमोन सेंटर हम ढूंढ रहे थे, तो मतलब बड़ा सा पोकेमोन सेंटर था। तो एक मिनट में रुकना जरा, मैं देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हाँ वहाँ पे थे कि बड़ा पोकेमोन सेंटर था ना, वहाँ पे ना एक मतलब बोर्ड लगा हुआ था कि मैं लीव नहीं कर सकता यहाँ पे चार्मेंडर है। तो मैं उस जगह पर जाके एक बार देखना चाहता हूँ वहाँ चार्मेंडर है कि नहीं है, ताकि मैं उस चार्मेंडर को पकड़ सकूँ। वैसे आप भी ट्राई करना, वैसे मुझे किसी का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। नहीं तो ऐसा करते हैं कि मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका नाम मतलब दे दूंगा, उस सिटी का नाम वहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि मतलब चार्मेंडर मिल जाता है घास में। चेक करेंगे चार्मेंडर वहाँ जाके पकड़ूँ, पर अभी मैं जरा देख रहा हूँ कि सिटी में कुछ खास है। यहाँ पे ओल्ड मैन भी इनसे गिरा हुआ है। ओके लगता है इसको टी चाहिए, हाँ तो ये गिव मी टी बोल रहा है, हाँ ये टी ही मांग रहा है। ओल्ड मैन शाउटेड, ये हमें जाने नहीं देगा बिना टी के। ओके तो टी तो यार हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल के लिए, मुझे देखना पड़ेगा। मैं जरा ऊपर जाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो कट करूँगा यहाँ से, थोड़ा समझूंगा कि हाँ भाई हम कहाँ जा सकते हैं। देखते हैं, मुझे आइडिया लग रहा है इसमें चार्मेंडर पकड़ने का भी मन है। बाकी मैं आपको यार बताता हूँ चार्मेंडर कहाँ मिलेगा। अगर मैं सिटी का नाम भूल गया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा नाम, वैसे आप भी चार्मेंडर पकड़ सकते हो। तो गाइस मैंने वीडियो कट कर लिया, और मुझे लगता है कि हमें दूसरी सिटी की तरफ चलना चाहिए जहाँ पे प्रोफेसर ने बात की थी। तो हम पहले यूज कर लेते हैं फ्लाई अटैक इस सिटी की तरफ। हाँ तो इस सिटी की तरफ हम फ्लाई अटैक यूज कर रहे हैं। ओके ये सिटी वही है जिसके बाद प्रोफेसर ने बात की थी, और यहाँ पे एक पता नहीं एक्वा नाम का कोई टाउन है,
लगता है उसके में सॉफ्ट अटैक करना पड़ेगा क्योंकि नाम से ही वो एक्वा कुछ है, जरा देखना पड़ेगा। हाँ मुझे लगता है वो नीचे, हाँ ये रहा एक्वा सी कुछ ऐसे ही है, तो देखते हैं। और मैंने कुछ अपने अटैक भी फॉरगेट करवाए अपने पोकेमोन्स को, जैसे इसको मतलब फ्लैलीगेटर कट अटैक आता था मैंने वो हटवाया है, फ्लैश पिकाचू को आता था मैंने वो भी हटवाया है, क्योंकि भाई वो इतने बेकार अटैक में पोकेमोन लीग में तो लेके नहीं जा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि ये फाइट का इशू होने वाला है इनके साथ मेरा, तो मैं ऐसे वीडियो कट कर सकता हूँ। हाँ फाइट का इशू है, तो गाइस मैंने इनसे लड़ाई कर ली, अभी कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पे और हम आराम से जगह को पार कर पाएंगे। और बाकी यार मैं देखता हूँ अभी कि शायद मैं अभी चारमेंडर को पकड़ने जाऊँ या ना जाऊँ, देखते हैं। सुना यहाँ पे एक लेवल का चारमेंडर मिलता है, बाकी मैं देखूंगा क्या सीन बनता है, शायद मैं वीडियो कट कर दूँ उस चारमेंडर की, वन लेवल का चारमेंडर मिलेगा शायद मैं उसका लेवल थोड़ा बहुत गेन करूँ। हाँ बीच में मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा वैसे गेन, अभी एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर भी पड़ा है, अभी फाइट करने के लिए भी बंदे बहुत पड़े हैं, तो मैं शायद कर लूँ। बाकी देखते हैं मैंने पीछे कितने ट्रेनर मिस भी किए थे, मैं वहाँ पर थोड़ी सी फाइट कर सकता हूँ जिससे उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही गेन हो जाएगा। बाकी ग्रास तो है, मैं थोड़ी सी वीडियो उसमें स्किप कर दूंगा क्योंकि चार मिनट चाहिए चाहिए, वही फाइट है पोकेमोन वाली टीम में अभी तक कोई भी नहीं आया। तो अब चलते हैं ऊपर और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई चीज़ है जो हमारी मदद कर सके प्रोफेसर के लिए, मतलब जो प्रोफेसर ने बोला है शायद उनकी कोई हेल्प हो सके, यहाँ पर कोई पार्सल है जो घूम गया हो, उनको ढूंढना है उस पार्सल को, तो शायद उनको कुछ पता है, वो शायद इस सी की तरफ कुछ देख रहे हैं। यस ओके, तो ये बैटल करेंगे। तो गाइस मैंने इनसे बैटल कर लिया और जैसे मैंने बताया था कि मैं चारमेंडर लेने जाऊंगा, मैं चारमेंडर ले आया हूँ। ओके अब मैं जरा आपको बता देता हूँ मतलब कौन सी सिटी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बैग में देख लेता हूँ एक बार, मैं को थोड़ा एस्टिमेट सिटी का बताता हूँ, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दूंगा जरा आपको, उसका नाम दूंगा एक बार ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। मैं सबसे पहले जो ऊपर की तरफ ये सिटी थी ना, ये पता नहीं यही वाली सिटी थी कि इसके आस पास कोई सिटी थी, हाँ इसी सिटी के आसपास थी, उस सिटी की तरफ है और वहाँ पे एक बड़ा सा पोकेमोन सेंटर जो याद नहीं येलो कलर वाला जो हम ढूंढ रहे थे कब से पिछले वाले एपिसोड में, तो बस वही वाला पोकेमोन सेंटर के मतलब साइड पे ही है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा चारमेंडर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं मतलब वीडियो में अगली वीडियो में बता ही दूंगा, मैं आपको कोशिश करूँगा अगली वीडियो में इस चीज़ को मैं कवर कर लूँ। तो यार ये मैं जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो अभी इनसे बात कर लेते हैं एक बार दोबारा, मैं हर एक पर्सन से पूछ लेते हैं, कहते हैं वही बात कर रहे हैं कि जाने देंगे हमें, नहीं यार ये तो वही बात कर रहे हैं, ये यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, ये बीच जो प्रोफेसर है ना ये बोल रहा ज़्यादा, बाकी ये दोनों में से कोई ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ये टूरिस्ट है इसलिए मैं जाने नहीं दे रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए नहीं है। ओके साइट सीइंग के लिए अराउंड, ठीक है फिर चलते हैं यहाँ से। ओके एक बार इनसे सीधा डायरेक्टर इससे बात कर लेते हैं एक बार, सेम चीज़ दोबारा वही बोली जा रही है, चलो छोड़ो फिर यार, मेरे से हमें फ्लाई करना चाहिए यहाँ से या फिर मुझे बस सीढ़ी को देखना चाहिए, मैं सीढ़ी को एक बार देख चुका हूँ और एक बार फिर देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए मुझे इंटरेस्टिंग, मैंने ऊपर चेक कर चुका ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसलिए जाने कोई फ़ायदा नहीं है। एक मिनट वेट अ मिनट यार, पीछे की तरफ भी कुछ था मैंने देखा नहीं, मैं ऐसे इसमें एंटर किया घर के अंदर, पीछे थोड़ी जगह थी मैंने देखा एक बार, तो जरा देख लेते हैं एक बार डाउन की तरफ नीचे की तरफ, हाँ यहाँ पे जो है ना। तो गाइस मैंने इससे फाइट कर ली और आगे एक पोकेबॉल पड़ी है, जरा इस पोकेबॉल को देखा जाए। ओ भाई साहब प्रोफेसर का पार्सल मिल चुका है और प्रोफेसर का फ़ोन आ रहा है हमें। ओके तो हमने मैनेज कर लिया उनका लॉस्ट पार्सल ढूंढने में, तो उन्होंने बहुत ग्रेट वर्क किया है, उन्हें थोड़ा सा मदद चाहिए उन्हें इस टाउन की तरफ। ओके तो गाइस हम कर लेते हैं पहले फ्लाई, और मुझे लगता है फ्लाई वाले नॉकटावल को ही सिखाया था मैंने, हाँ तो फ्लाई करते हैं और ज़रा देखते हैं कि वो सिटी कहाँ पे बता रहे हैं। ये सिटी लगता है इसके साथ बगल में है, हाँ साइड में है, चलो ठीक है हम यहाँ सिटी से हम फ्लाई कर लेंगे। लगता है रास्ते में वही जो एक डुप्लीकेट गैरी ओक है ना स्पेस पेंगे स्वैग वाला, उस वाले बंदे से फाइट करनी पड़ेगी हमें मेरे हिसाब से, हाँ उसे लगता है फाइट करनी पड़ेगी हमें, तभी वो बंदा हटेगा मेनली, बाकी देखते हैं क्या सीन बनता है। ये लगता है इन लोगों से मैंने बात की है, ये लोग कुछ ज़्यादा खास नहीं बता रहे हमें, तो बाकी देखते हैं ये नीचे की तरफ से देख लेते हैं, मैं जो वो जो गैरी ओक का जो डुप्लीकेट है उसे बात करते हैं, शायद वो हमें जाने दें अब क्योंकि हमारे पास पार्सल भी है, वो शायद इसी तरफ को था ना, हाँ ये वाला जो स्वैग जैसे गैरी जैसे बाल रखे हुए हैं ना इसने, वैसा का लगता है मुझे ये, इसने कुछ टेलीपोर्ट सिस्टम किया है, इसने टेलीपोर्ट किया है, पर हम टेलीपोर्ट की जा कहाँ रहे हैं। भाई साहब प्रोफेसर ओक जूनियर सर पर टोपी पहनी हुई है यार, क्या बात, बस ये फाइट ना करे यार। ओके फाइट करेंगे ये, तो सीन कट करने पड़ेंगे मुझे, वो देखो टोपी पहनी है सिर पे, तो हम ये फाइट जीत चुके हैं। प्रोफेसर हमें बता रहे कि हमें इलाइट सैटेलाइट की तरफ जाना चाहिए, वहीं पे हमारा अगला जिम हो सकता है, तो उन्होंने हमें ये एडवाइस दिया, तो ठीक है तो ये एडवाइस ले लेते हैं हम,
और जो गैरी ओक का डुप्लीकेट था वो तो चला गया। ऐसे गैरी ओक ही लग रहा है मुझे, डुप्लीकेट नहीं गैरी ओक ही लग रहा है। बस उसने स्वैग स्पैक्स पहनी हुई है, मतलब स्वैग वाले चश्मा पहना हुआ, और कोई मतलब है नहीं कि बाकी सिटी में सबसे कुछ है नहीं खास। हमें करना चाहिए फ्लाई मेनली, मुझे लग रहा है पहले पोकेमॉन सेंटर में एचपी फुल की जाए, उसके बाद देखते हैं। तो पहले कर लेते हैं एचपी फुल और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ फ्लाई करके यहाँ से निकलते हैं। मैं पहले स्पीड तेज़ कर लेता हूँ। ओके तो ठीक है, अब करते हैं फ्लाई। तो फ्लाई करते हैं दूसरी सिटी की तरफ। मैं जरा उस सिटी को एक बार टाउन मैप पे देख लेता हूँ। मैं सेलेक्ट का बटन फिर दबाना भूल जाता हूँ, क्यों मैं ऐसा करता हूँ मैं भूल जाता हूँ पता नहीं क्यों। तो ये सिटी के साथ ही है ये। ओके तो ठीक है, यहाँ से हम फ्लाई करेंगे और उस सिटी तक चले जाएंगे। वैसे हमें पहले रास्ते में मोल्ट्रस खरीदे, शायद मोल्ट्रस हट गई होगी मेरे हिसाब से, तो प्रोफेसर हमें बोल रहे हैं भाई, एडवाइस दे रहे हैं जाने की। बाकी देखते हैं, यहाँ से हम फ्लाई कर लेते हैं एक बार। तो हमने फ्लाई कर लिया हुआ है, अब यहाँ से हम फटाफट चलते हैं उस तरफ को जहाँ पे गेंगार था मेरे हिसाब से, जैसे हमें गेंगार को जब डिफीट किया था तो वही मोल्ट्रस वाली जगह पे। हाँ अब मोल्ट्रस यहाँ पे नहीं है, मोल्ट्रस अगर ऊपर ना चली गई हो या फिर कहीं आगे पीछे। एक मिनट, कोई आ रहा है हमें। अच्छा ये तो वही लड़की है जो हमें पहले मिली थी। ओके तो लगता है इसका हमारा फाइट का सीन बनने वाला है मेरे हिसाब से, तो लगता है इसका ये फर्स्ट जिम होने वाला है। तो देखते हैं कौन कितने पानी में, बस तीन बैचेस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस हम जीत चुके हैं इस बैटल को, और साथ में मुझे से आगे वाले लोगों को भी हराना मुझे बनता है मेरे लिए। तो लगता आगे जिम आने वाली है तो हराना तो पड़ेगा। वैसे मैं जगह चेक कर लेता हूँ क्या इस जगह में कुछ खास है। नहीं इस जगह में कुछ खास नहीं मिला हमें, तो चलते हैं यहाँ से। अब थोड़ा सीन कट किया दोस्तों मैंने, और मैंने सबसे फाइट कर चुका हूँ। जिम के अंदर के मेंबर वालों से भी मैं फाइट कर चुका हूँ, तो हम सीधा जिम लीडर के पास ही पहुँचेंगे। ठीक है ना गाइस, ये ब्रेक है ना सिस्टम, मैंने मतलब इतना वीडियो कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जिम लीडर के पास ही हम जाएंगे। तो जिम लीडर है ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से, इसकी शक्ल बिल्कुल जियो वानी जैसी लग रही है, जो हमारा एट्थ बैच है ना जियो वानी उसकी तरफ। पर ये हमारा फोर्थ बैच होने वाला है मेरे हिसाब से, सिर्फ तीन बैचेस हैं हमारे पास, ये चौथा बैच है हमारा। ओके पहला है स्नोलैक्स, इसके खिलाफ मैं अराउंड को टेरन को बोल रहा हूँ। नहीं यार काम नहीं बना, क्या करूँ फेलिगुलेटर। नहीं यार ये स्लीप अटैक, अबे भाई स्लीप, ओ भाई साहब, ओए बदकर भाई, अरे दोबारा स्लीप, ये कितनी बार हेल्पफुल करेगा अपनी। नहीं मत कर भाई, मत कर मत कर। एक मिनट, ये तो एक ये जो अटैक करता है ना स्लीप के बाद, तो ये एक तरह का मतलब फिजिकल अटैक होता है ना। रुक जा गेंगार यूज़ करता हूँ ना फिर, रुक जा जरा फिजिकल अटैक करके देखना जरा, देखा डू नॉट अफेक्ट, मुझे पता था। तो हम इसको कर्स करेंगे, इससे ये जल्दी मरेगा, और अरे यार इफेक्ट नहीं करता है। ओके शैडो पंच इफेक्ट नहीं करता है, तो कर्स अटैक से ये मर जाएगा। मेनली मैं यूज़ कर लेता हूँ फिर पोशन जो हमारी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, सुपर पोशन गेंगार को, और सुपर पोशन ही मैं देता हूँ क्या नाम है अपना फेलिगुलेटर को। ये यार क्या हो रहा है, स्लो करने बड़ा लगता स्पीड। फेलिगुलेटर को दे दिया हमने सुपर पोशन, और अब हम आराम से फाइट कर सकते हैं। वैसे मतलब कोई अटैक नहीं है इसको हराने के लिए, तो कन्फ्यूजन करके ही करना पड़ेगा भाई साहब। बस कर मेरे भाई बस कर, कितनी बार स्लीप करवाएगा, इतनी बार कितनी बार एचपी फुल कर लेगा, एक बार कर लेगा, दो बार कर लेगा, तीन बार कर लेगा, कितनी बार कर लेगा, हारना तो पड़ेगा ही भाई साहब। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो दोबारा एचपी फुल कर रहा है, लगता स्नोलेस को हराते हराते अपना टाइम गुजर जाएगा और कुछ नहीं होगा। दोबारा कर्ज तो हम कर नहीं सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं भाई, बस कर यार। तुमने पोशन भी पिलाया, उससे पहले तीन से चार बार ही स्लीप कर चुका हुआ है, तीन बार किया था ना शायद, हाँ इतने बार ही किया था इसने। बस कर भाई बस कर बस कर बस कर बस कर। ओके स्नोलेस अगर जाने वाला जाने वाला है, गया गया शुक्र है भाई शुक्र है, गया गया शुक्र है। नेक्स्ट पोकेमोन है वेलमर, नहीं वेल लॉर्ड है। ओके तो इस पर नाइट अटैक हो सकता है, भाई कितना खतरनाक अटैक किया इसने, हम गए। ओके पिकाचू थंडरबोल्ट से काम ख़त्म कर सकते हो, पिकाचू थंडर वेव क्यों रखा है मैंने पहले, यार थंडरबोल्ट करना चाहिए था, दोबारा थंडरबोल्ट कर लेते हैं। ओके ये इसने भी स्लीप किया, तो सारे पक में स्लीप तो नहीं कर रहे हैं, अभी क्रिलर का अटैक मारा यार एक बार में गए हम लोग। इसके खिलाफ नॉक टावल करते हैं फ्लाई अटैक, तो ठीक है। अगला है हॉर्न ड्रॉवर, दोबारा फ्लाई करते हैं, मैं इसमें सेलिब्रेटर भी यूज़ कर सकता हूँ, पर एक बार नॉक टावल का इस्तेमाल कर देख लेते हैं। टोरकुल, ओके टोरकुल यार अच्छा है, इसका दमदार है टोरकुल इसका, और साथ में इसके लेवल भी हमारे यहाँ करीब के ही हैं, ज़्यादा कम भी ज़्यादा भी नहीं है। तो हमने स्लीप किया था, मतलब स्लीप में हिप्नोसिस किया था, इसमें एक बार में उठ गया यार। तो फ्लाई अटैक, दोबारा फ्लाई, अरे यार इसने अब स्लीप किया, बस कर भाई रेस्ट अटैक, कितनी बार करोगे रेस्ट पर रेस्ट करते रहोगे। कैलकुलेटर ने काम कर दिया। ओके लास्ट है कंगस खान, ओके
पूरा जाए पूरा जाए। ओ भाई साहब इसलिए इतना कर जाए, नहीं किया नहीं किया नहीं किया। जियो वानी हार चुका है, वैसे जियो वानी ही लग रहा है ये, डीम लॉर्ड का साइन भी बना हुआ है। तो लगता है हमें हमारा बैच मिल जाएगा, अब हमें मिल जाए TM10। ओके चलते हैं बाहर की तरफ। एक मिनट, प्रोफेसर का कॉल आया हमें, तो प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं? तो लगता कुछ तो चीज़ है जो हमें बताना चाहते हैं प्रोफेसर। ओके ये पक्का कुछ टीम लॉकेट ने फिर कुछ किया है, अब देखना पड़ेगा इनको दोबारा से। तो पहले बाहर चलते हैं और चलते हैं सीधा पोकेमोन सेंटर, पहले करते हैं अपनी HP फुल, उसके बाद देखते हैं कि प्रोफेसर ने क्या कहा और क्या करना है अभी मुझे। थोड़ी गेंद स्पीड तेज़ करते हैं, इतनी स्लो स्पीड से हम पहुँच नहीं पाएंगे। हाँ बस ठीक है। और ये कहाँ है, कहाँ है प्रोफेसर? ओ प्रोफेसर कह रहा हूँ पोकेमोन सेंटर, हाँ ये रहा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग अ वीडियो।